हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस बेसिस में और प्रेग्नेंट वुमेन का जो शरीर में चेंजेस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस होता है, वो हम रोक नहीं सकते हैं और रोकने का कोशिश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे अंदर एक छोटा सा नन्ना सा बेबी बड़ा होता रहता है, तो उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक में मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना। तो मैं वीडियो छोड़ूंगी तो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट्स जो है वो मैं स्किन के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टाइम पे हमारे स्किन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, किसी किसी को बहुत सारे पिंपल्स आते हैं फेस में, किसी किसी को इधर बटरफ्लाई जैसे ब्लैक स्पॉट आते हैं। ठीक है, स्किन में, और किसी किसी लोग बहुत फेयर हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कुछ चेंजेस होते रहते हैं बाद में स्किन में, फुल बॉडी में भी, स्किन में सिर्फ फेस के बारे में नहीं बता रही हूँ, फुल बॉडी में स्किन में भी चेंजेस आता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बेसिस में मीन्स मुझे क्या हुआ था, मेरा शरीर में ना पूरा हाफ हाफ परसेंट फेयर और ब्लैक हो गया था। लाइक इधर हैंड में इधर ऐसे ऐसे करके हाफ पोर्सन इधर हुआ था ब्लैक, इधर हुआ था व्हाइट टाइप का, मीन्स ऐसे पोर्सन हो गया था। लेग में भी पूरा ऐसे हाफ करके ब्लैक हाफ व्हाइट, और ब्लैक में ऐसे लाइक जैसे हमारे स्क्रैच मार्क होता है ना पेट में, वैसे टाइप का हो गया था। ठीक है, तो ये तो स्किन के बारे में बता दिया मैंने। नेक्स्ट मैं बताऊंगी ब्रेस्ट के बारे में। तो ये सभी चेंजेस किस लिए, क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताऊंगी मैं, जस्ट फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेस्ट, जो हम प्रेगनेंसी टाइम पे हमारे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो ब्रेस्ट का हेवीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट का जो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, वो मीन्स प्रोड्यूस होना चालू करता है, तो इसीलिए हमारे ब्रेस्ट का जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर हमारा ब्रेस्ट का ब्रेस्ट बहुत बड़े दिखते हैं ब्रेस्ट बहुत बड़े दिखते हैं और बहुत बड़ा हो जाता है। और एक बात होता है ब्रेस्ट का निप्पल, कभी कभी ब्रेस्ट का निप्पल जो है ना वो उस निप्पल के पास बहुत ब्लैक कलर हो जाते हैं, और निप्पल के चारों साइड में ना ऐसे पिंपल्स जैसा डॉट 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 हो जाता है। ठीक है, ये चेंजेस होता है ब्रेस्ट में। तो और तीन नंबर पॉइंट मैंने नोट डाउन की हूँ, देखिए बता रही हूँ। तीन नंबर पॉइंट जो है, तो हम यूरिन पास करना, ठीक है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो एक हमारे पेट का अंदर एक बेबी पल रहा होता है, तो हमारे जो सिस्टम है ना शरीर का वो पूरा चेंजेस होने लगता है। तो उस टाइम पे मेरे प्लेजेंटा बड़ा होता रहता है, तो हमारे प्लेजेंटा बड़ा होने के वजह से हमारे यूट्रस में वो प्रेशर करता है। यूट्रस में जब हमारे प्रेशर करता है तब हमारे यूरिन पास करने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा बार यूरिन पास करते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंजेस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बॉडी पोस्चर चेंज होना। तो बॉडी पोस्चर प्रेगनेंसी टाइम पे तो बॉडी पोस्चर सभी का चेंज होता है, क्योंकि हमारे बेली में बेबी रहता है, तो बेली बड़ा होता जाता है सामने की तरफ, मीन्स फ्रंट की तरफ, और आपका बैक साइड में जो बैकबोन का नीचे की तरफ होता है ना, वो ऐसे बेंड होने, मीन्स ऐसे बेंड होता है, तो हमारे फ्रंट में बेली ऐसे हो जाता है, तो बॉडी पोस्चर ना ऐसे कुछ हो जाता है पीछे, और सामने का ऐसे कुछ हो जाता है। तो ये भी बड़ा चेंजेस होता है, बॉडी पोस्चर हमारा पूरा चेंजेस हो जाता है। तो हमने चलते टाइम पे ऐसे 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 करके चलते हैं, जब तक 8-9 महीना हो जाता है, तो पैर इतना दूर में रहता है और हम ऐसे चलते हैं, और पेट ऐसे सामने रहता है, और हम ऐसे झुक ऐसे करके चलते रहते हैं। तो ये बॉडी पोस्चर चेंजेस होना प्रेगनेंसी टाइम पे होता ही है, तो एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। तो और एक बात है, जो हमारे पैर जो लेग है वो मोटा हो जाना। ठीक है, तो मेरा तो जैसे 5th मंथ में ही थोड़ा गेन हो गया था पैर में, मीन्स मोटा हो गया था,
बाद में फिर थोड़ा कम हो गया था, फिर 7-8 मंथ में फिर बढ़ा था, ऐसे होता ही है। तो एक मीन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है उस टाइम पे, हमारे हमारे चप्पल हमको नहीं होता है, बड़ा बड़ा चप्पल पहनना पड़ता है। तो उसमें कुछ पेन वगैरह नहीं होता है लेग में, बस लेग मोटा हो जाता है थोड़ा। ये प्रेगनेंसी में एक चेंजेस होता ही है, किसी किसी को नहीं होता है पूरा, किसी किसी को 1-2 मंथ होता है, किसी किसी को फुल प्रेगनेंसी रहता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक चेंजेस होता है लेग मोटा। नेक्स्ट जो है वो है आपका जब बेली जब बड़ा हो जाता है ना, जब हमारे बेबी बड़े होते रहते हैं, हमारे बेली भी बड़ा होता रहता है, तो बेली में जो हमारे स्किन बड़ा होता रहता है, तो बेली में ना ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट आता है, जो हमको बाद में ना, किसी किसी का व्हाइट व्हाइट थोड़ा थोड़ा, किसी किसी का ब्लैक ब्लैक स्पॉट आता है, जो बाद में हमको स्ट्रेच मार्क, जब बेबी बाहर आ जाता है पेट से, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद हमारे स्ट्रेच मार्क हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा चेंजेस रहता है जो हमारे लाइफ टाइम रहता है, ठीक है, माओ का। तो ये बेली बड़ा होने की वजह से स्किन स्ट्रेच होते रहते हैं, बड़ा होता रहता है, तो इसके वजह से बेली का ऊपर ना ऐसे लाइन लाइन आता है। तो ये सिर्फ बेली नहीं, आपका थाई में, पैर में, थाई में भी आता है, कभी कभी इधर बॉबल में भी आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक स्किन चेंजेस का अंदर ही आता है। और नेक्स्ट जो है ना वो है जब स्किन पे खुजली होना, ये भी एक पॉइंट है। जब हमारा बेली बड़ा होता है ना, जो मार्क्स आते रहते हैं, और पैर में भी लाइक वो मार्क्स आते रहते हैं ना, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, तब क्या होता है ना, आपको खुजली होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मुझे ऐसे 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 करने का मन करता है, बट ज़्यादा मत करो आप लोग, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए तो अच्छा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे 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 मुलायम सॉफ्ट कपड़े लेके ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो भी रोके हो जाता है वो। वही खुजली होने का एक मीन्स शरीर में एक चेंजेस ये भी है, ठीक है। मीन्स खुजली होना कुछ इरिटेटिंग लगता है, नहीं वो मुझे ना, मेरा जब प्रेगनेंसी में मुझे क्या होता ना, पेट में ज़्यादा होता था, पेट में ऐसे 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 करने का मन करता था, मैं बस ऐसे हल्के से ऐसे 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 करती रहती थी, तो वो बेबी को भी अच्छा लगता था शायद, और मुझे भी आराम फील होता था। तो यही एक पॉइंट है, ये भी एक प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, खुजली होना स्किन पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है आपका वेट गेन, ठीक है। वेट गेन एक मेन पॉइंट होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। तो 11 kg जो होता है ना, 11 kg इज मिनिमम मीन्स सभी लोगों को गेन करना चाहिए प्रेगनेंसी में, ऐसे डॉक्टर का सजेशन है। तो मेरे में तो लाइक 12-13 kg हो गया था, इसके वजह से शायद मुझे सी सेक्शन करना पड़ा, वो मैं बता रही हूँ आपको किस लिए। तो 11 kg जो होता है, 1 kg हमने फर्स्ट ट्रिमेस्टर मीन्स फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 kg गेन करते हैं, सेकेंड ट्रिमेस्टर में 5 kg, नेक्स्ट थर्ड ट्रिमेस्टर में हमने 5 kg गेन करते हैं। तो टोटल 11 kg गेन करना चाहिए ऐसे बोलते, बट आप इससे कम गेन किया तो 11 kg से कम गेन किया तो ऐसे होता है जी, आपका अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो ठीक से पोषण नहीं हो रहा है बेबी को, तो बेबी का वेट ठीक नहीं होगा ऐसे बोलते हैं। और उससे ज़्यादा 11 kg से ज़्यादा हुआ ना, तो आपका अंदर में जो बेबी पल रहा है, तो वो तो पूरा पानी का एक थोले का अंदर रहता है, तो ये वाला वो पानी जो होता है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, पानी ज़्यादा है, तो फिर आपको लाइक प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी टाइम पे। तो मेरा वेट गेन लाइक 59-73 ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट लाइक 14-13 kg हुआ था। तो इसकी वजह से मेरा डिलीवरी टाइम पे ही सेम बताए थे डॉक्टर, जो आपका जो पानी का जो बैग है, अंदर का जो थली है पानी का, उसके अंदर ना बेबी ऐसे घूमे जा रहा है, वो ट्राई कर रहा है, उसका सर नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ, मुझे सी सेक्शन करना पड़ा। तो यही था, यही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है हमारी बॉडी में। तो इसका कारण तो साइंटिफिक है, मीन्स साइंटिफिक है, और डॉक्टर लोग सभी लोगों को पता है इसके कारण, बट नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको यही चेंजेस होगा ही होगा, इसको अपने रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते। और माँ होने का कष्ट तो हमको पता है, और खुशियाँ भी हमको ही पता है, ठीक है। तो ये वाला फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतना तो नॉर्मल है, जो मैंने बताया ना आप लोगों को, ये सभी नॉर्मल होगा ही आपका प्रेगनेंसी में, बॉडी में चेंजेस भी, शरीर में यही चेंजेस होगा ही होगा, ठीक है। तो यही था वीडियो आज का। तो कैसे लगा प्लीज कमेंट्स भी दो, जो लोग अभी माँ बन रहे हो या बन चुके हो या बनने वाले हो, ट्राई कर रहे हो, सभी लोग कमेंट्स पे बताओ, और कैसे लगा कमेंट्स वो भी बताओ आप लोग। और अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नए जुड़ गए लोग वेलकम टू माई चैनल। तो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, अच्छे से रहिए, खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बाय।